अच्छा, जो थर्ड ऑप्शन है वो है, सॉरी, थर्ड ऑप्शन है लेंसेज की सिलेक्शन, कि डॉक्टर जो लेज़र लेंस लेज़र लगाते हुए जो यूज़ करेगा लेंस वो कौन सा यूज़ करना चाहेगा। ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे, ये सारी लिस्ट है लेंसेज की, और उसमें से जो सेलेक्ट करना है लेंस जब हम कुछ चूज़ करेंगे तो वो इस साइड पे भी आ जाता है, जो हमने प्रीवियसली जो यूज़ किए हुए हैं लेंस इस लेज़र पे वो इधर इसकी हिस्ट्री दे रहा है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे सेलेक्ट जो करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल डॉक्टर कह रहा है कि मैं ट्रांस इक्वेटर यूज़ करता हूँ, तो मैं ट्रांस इक्वेटर के ऊपर उसको हाईलाइट करके उसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। जब सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे वो लिखा आ जाएगा थर्ड ऑप्शन में कि ट्रांस इक्वेटर 1.44x। अब ये जो 1.44x है इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इस वक्त स्पॉट साइज़ है 180, और ये जो स्पॉट साइज़ है इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इसको जब मैं कम ज़्यादा करूँगा तो वो स्पॉट साइज़ चेंज हो रहा है, इसको मैं घुमा रहा हूँ तो स्पॉट साइज़ चेंज हो रहा है, तो इसको मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये 200 में कर देता हूँ, ये 200 या 180 के करीब कर देता हूँ, या चलिए 250। ओके, अब इसमें इसका मतलब ये है कि एक्चुअल जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया वो 252 माइक्रोन्स का स्पॉट साइज था, लेकिन जब डॉक्टर को नज़र आएगा रेटिना के ऊपर जब थ्रू लेंस जब वो देखेगा ट्रांसिक्यूटर के, तो वो 252 का 1.44 टाइम्स जूम करके ये लेंस दिखाएगा, 250 माइक्रोन्स को 1.44 टाइम्स जूम करके दिखाएगा, थोड़ा बड़ा दिखाएगा एक्चुअल साइज से। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी लेंस ना सिलेक्ट करूँ तो अब इसकी सिलेक्शन असल में है 175 माइक्रोन्स। अगर मैं इसको करता हूँ 200, अब 200 मैंने सिलेक्ट की, अब ये क्योंकि मैं लेंस कोई यूज़ नहीं कर रहा तो मुझे 200 ही यहाँ मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें कोई थ्रू इसके लेंस देखना चाह रहा हूँ, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर क्वाड को मैं करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो सुपर क्वाड की मैग्नीफिकेशन है 2 times, मतलब एक्चुअली सिलेक्टेड 200 था, उसने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 2 के साथ, तो वो बन गया स्पॉट साइज 400 माइक्रोन्स, कि मतलब अब जो रिएक्शन जो उसको मिलेगा वो 400 माइक्रोन्स का स्पॉट का रिएक्शन देगा वो लेज़र। अब ये चीज़ जो ये फीचर है, ये फीचर दूसरे नॉर्मली जो यूज़ होते हैं लेज़र उसमें ये नहीं है, उसमें वो जो मैग्नीफिकेशन का जो लेंस मैग्नीफिकेशन का जो फैक्टर है वो बीच में नहीं शो करते कि अगर स्पॉट साइज यहाँ पे हमने फिजिकली तो 200 माइक्रोन सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन एक्चुअली वहाँ पे फायर कितने स्पॉट का करेगा, तो वो ये फिजिकली हमें बता रहा होता है कि आपको जो रिएक्शन आएगा वो 200 माइक्रोन का नहीं मिलने वाला बल्कि इतने टाइम्स का मिलने वाला है जितने टाइम्स की इसकी मैग्नीफिकेशन है। अब इसकी मैग्नीफिकेशन 2 times है, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करके 3 mirror यूनिवर्सल करता हूँ और इसकी मैग्नीफिकेशन 1.08 है, तो इसका अब उसने 400 माइक्रोन्स नहीं किया, उसने 216 माइक्रोन्स किया। इसी तरह अगर मैं ट्रेबिक्लास्टी का करता हूँ तो इसका स्पॉट साइज अब एक्चुअल 200 यहाँ पर सिलेक्टेड है लेकिन इसकी मैग्नीफिकेशन कम है, वो असल में 200 को कम करके अब दिखाएगा। तो इस तरह ये एक मेन बहुत बड़ा फीचर है जो कि डॉक्टर को हेल्प करता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कि उसको एक्चुअली मिलने क्या वाला है। अभी मैं इसको बगैर कोई सिलेक्ट किए लेंस इसको मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, डॉक्टर जो यूज़ करेगा उसके मुताबिक फिर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो लेंस वो यूज़ करना चाह रहा है और फिर वो स्पॉट साइज उसके मुताबिक यूज़ करेंगे। क्योंकि फर्स्ट करें डॉक्टर कहता है कि मैं 200 माइक्रोन स्पॉट साइज पे ट्रीटमेंट करूँगा, हमने यहाँ पे 200 माइक्रोन्स सिलेक्ट कर दी, अब जैसे ही वो लेज़र लेंस पकड़ता है फॉर एग्जांपल वो 3 mirror पकड़ता है तो आपने सर को फिर रोक देना कि सर 1 minute रुक जाएं, ये जो लेंस है इसकी एक अपनी मैग्नीफिकेशन पावर है, आपको स्पॉट साइज चाहिए 200 जबकि ये आपको 200 नहीं मिलेगा, आपने स्ट्रेट अवे यहाँ से लेंस पे जाना है, 3 mirror को सिलेक्ट करना है और फिर सिलेक्ट करना है और फिर डॉक्टर को कहना है कि सर आपको स्पॉट साइज 216 मिलेगा, तो फिर उसके बाद आप एडजस्ट करें
अपना डॉक्टर की मर्जी और मंशा के मुताबिक कि वो कितना कुछ आ रहा है। अब उसमें जो यहाँ से जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय ये फैक्टर, तो ये आपको कभी भी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं देगा, क्योंकि 0.08 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बीच में आना है। तो जब वो आना है तो वो कभी 189, मैं अगर 200 करना भी चाहूँगा एग्जैक्ट तो मुझे यहाँ मिलना नहीं, क्यों, उसने मल्टीप्लाई होना उससे। तो इसकी एग्जैक्ट ये फिगर यहाँ कभी नहीं आ सकती। अगर ये फिगर यहाँ लानी है तो आपको यहाँ से ये सिलेक्शन ख़त्म करना पड़ेगी। अब आप जैसे मर्जी कर लें। अब यहाँ पे डिस्प्ले पे अगर 300 है तो आप उसको ये 300 पे आ गया, डिस्प्ले पे 500 है यहाँ 500 आ गया, इस तरह तो सिलेक्शन हो जाएगी डायरेक्ट। लेकिन अगर कोई मल्टीप्लिकेशन या लेंस यूज़ कर रहे हैं उसका फैक्टर डलेगा तो फिर चीज़ें और तरह बिहेव करेंगी। ये तो हो गया इसका, ये क्योंकि इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिया है कि ये हमारा एक प्लस फीचर है जो डॉक्टर को बताना है और उसका इम्पैक्ट बताना है, उसके फ़ायदे बताने हैं कि क्या क्या इसकी वजह से होते हैं। इसी तरह ये साथ ये भी बताएगा ये फोर्थ वाले में कि 400 माइक्रोन स्पॉट साइज पे एनर्जी एवरेज डिस्ट्रीब्यूट कितनी होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं ये पैटर्न कोई ये वाला लेता हूँ। अब ये मैंने पैटर्न लिया, एक मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया, वो पैटर्न नहीं था, वो सिंगल स्पॉट था, और ये पैटर्न लेज़र मैं यूज़ करने लगा। अब पैटर्न लेज़र में वो मुझे ये बताएगा कि 190 मिली वॉट डिस्ट्रीब्यूट एवरेज किस हिसाब से होगी, वो साथ एवरेज वैल्यू भी बता रहा है। और इसमें एक चीज़ और इसका जो बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो स्पॉट रेटिना पे फोकस नहीं होगा वो वहाँ फायर भी नहीं करेगा, क्योंकि ये है इसकी टेक्नोलॉजी है गैल्वेनोमीटर टेक्नोलॉजी, और जो गैल्वेनोमीटर है इसमें मोटर्स लगी हुई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये स्पॉट्स हैं, ये पैटर्न्स हैं, और पैटर्न्स करने के बाद मैंने सेट कर दिया है तो आगे कोई आगे इस तरह के सुराख आ गए हैं कि उसमें से वो गुजरेगी, नहीं। इसमें अगर मैंने इसको ये सिलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि वो जो गैल्वेनोमीटर्स मोटर्स हैं वो इसकी बैक पे, ये देखें यहाँ पे जो इंटेग्रोप्रोस्कैन के फीचर्स हैं उसमें जो सबसे मेन चीज़ जो इसमें बताई गई है कि यहाँ पे बात आएगी, पॉइंट नंबर है इसमें टेक्नोलॉजी का बताया गया होगा कि इंडस्ट्री, चलें ये भी साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। इंटेगर प्रो स्कैन के फीचर्स में नंबर वन है कि ये इंडस्ट्रीज फास्टेस्ट स्कैनिंग फोटो कैलकुलेटर है, डिलीवर 25 लेज़र शॉट्स इन जस्ट 0.5 सेकंड्स। के अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें अब ये स्पॉट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अब ये 13 स्पॉट्स हैं, जबकि ये कैपेबिलिटी रखता है कि 25 लेज़र शॉट्स 0.5 सेकंड में डिलीवर करेगा, तो ये 13 तो 0.5 सेकंड से भी कम में डिलीवर करेगा। तो ये एक तो ये है कि ये फास्टेस्ट स्कैनिंग फोटो कोगुलेटर है, इसकी स्पीड फास्टेस्ट है। इसके अंदर जो जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो इसकी ड्यूरेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को ज़ाहिर करती है, और डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका फ़ायदा डॉक्टर को होगा कि इसमें कोई फाइबर ऑप्टिक नहीं है भाई, कोई आपको नज़र नहीं आ रही कि अच्छा हो कि भाई फाइबर ऑप्टिक है और उससे उससे बचाना है, पेशेंट ना पकड़ ले, वो ख्याल करना कहीं पिंच ना हो जाए फाइबर ऑप्टिक, नहीं आपको फाइबर ऑप्टिक इसमें नज़र नहीं आ रही, फाइबर ऑप्टिक फ्री है लेज़र। तो इसमें आप डॉक्टर को ये परेशानी नहीं होगी कि यार कल को फाइबर ऑप्टिक अगर मिसयूज़ हो गई तो मुझे लाखों की फाइबर ऑप्टिक ना खरीदनी पड़े, तो ये चीज़ इसमें नहीं है। ये इंटीग्रेटेड लेज़र है जिसमें सब कुछ यहाँ पे सारे का सारा थ्रू कैविटी गेट डिलीवर हो जाता है, ये पावर सप्लाई इधर कैविटी और जस्ट डिलीवर, कोई फाइबर ऑप्टिक का बीच में मामला नहीं है। इसी तरह इसके अंदर स्पेशल पैटर्न्स हैं नंबर 3 पॉइंट एंड डेडिकेटेड वेवलेंथ अवेलेबल फॉर एक्यूरेटली पोजीशनिंग फोकल ट्रीटमेंट इन द मैकुलर एरिया। डेडिकेटेड पैटर्न्स हैं मैकुलर एरिया के उसको ट्रीट करने के लिए, जैसे अभी मैं बता रहा था कि ये एक डेडिकेटेड पैटर्न है मैकुलर एरिया को ट्रीट करने के लिए। तो इसमें जो है लेज़र 561 नैनोमीटर येलो लेज़र, इसका एज ग्रीन लेज़र पे ये है कि ये मैकुलर एरिया को इसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो नेग्लिजिबल है इन ज़ेंथोफिल सेल्स, जबकि ग्रीन जो लेज़र है वो ज़ेंथोफिल सेल्स को में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, जब और हम ज़ेंथोफिल सेल्स को अवॉइड करते हैं कि इसकी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लेज़र की कम होनी चाहिए। तो येलो की ये वेवलेंथ ज़ेंथोफिल सेल्स में उसकी एब्जॉर्प्शन नेग्लिजिबल है।
इसी तरह जो रेड लेज़र है 670 नैनोमीटर, वो इफेक्टिव है फॉर कॉरॉइडल वेसल्स। कॉरॉइड की वेसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आई हुई है, ब्लीडिंग है, कुछ भी है, तो आप उसको 670 नैनोमीटर पे रख के जो रेड लेज़र है कॉरॉइडल की ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। फिर जो मैक्सिमम स्पॉट्स जो अवेलेबल हैं, पैटर्न अवेलेबल अप टू 37 स्पॉट्स, इसमें 37 स्पॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई यहाँ से चूज़ करता हूँ, ये वाला कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ ट्रैकर से ये जो स्पॉट्स हैं, ये 37 स्पॉट्स हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी सेटिंग पे, आपकी स्पेस। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इन स्पॉट्स में स्पेस बढ़ जाए, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं ये स्पेस। अब वन का मतलब है कि इस स्पॉट से इस स्पॉट के दरमियान वन सर्कल का डिफरेंस है, मतलब ये जो सर्कल साइज है ये वन है, और इसके दरमियान और इस सर्कल के दरमियान में सेम वन सर्कल का डिस्टेंस आएगा। इसी तरह ये बढ़ रहा है 1.25 का मतलब है कि ये सर्कल और इस सर्कल के दरमियान में जो फासला है वो इस सर्कल से 1.5 टाइम्स का है। तो इससे हम ये स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रैकर से मैं स्पॉट्स कम कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये 37 स्पॉट्स तक जाएगा। ओके, फिर उसके बाद है नंबर 7, हैविंग एबिलिटी टू एडजस्ट गैप्स बिटवीन द स्पॉट्स। मतलब कि ये एबिलिटी है इसमें कि गैप्स बिटवीन द स्पॉट्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नंबर 8 है, शेप साइज एंड ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न कैन बी फुली कस्टमाइज्ड इन ऑर्डर टू मीट बेस्ट क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स। शेप साइज वो अभी आपको करके दिखाया था कि ये फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कर्व कम है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि कर्व को थोड़ा ज़्यादा कर लूँ, तो ये कर्व ज़्यादा कर लेगा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कम हो जाए, ये थोड़ा सा कम हो जाए, तो फिर रोटेट कर लूँ ये खास एंगल पे। तो ये सारे का सारा नंबर 8 पॉइंट ये फीचर बता रहा है। नंबर 9 पॉइंट है, प्रोवाइड ऑप्टिमल होमोजीनियस बर्न्स विल नॉट फायर एट द डीफोकस्ड स्पॉट। अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट फोकस नहीं है, बाकी सारे फोकस हैं, तो जो फोकस नहीं है वहाँ पर ये फायर नहीं करेगा, बाकी सब पे कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो गैल्वेनोमीटर टेक्नोलॉजी है। फिर बिल्ट इन रेंज है, रेंज ऑफ प्री प्रोग्राम्ड लेंसेज, वो जो अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे लेंसेज की रेंज है। ऑटोमेटिकली हेल्प इन सेलेक्टिंग स्पॉट साइज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑप्टिमल रिएक्शन, रिजल्टिंग लेस पेन इन पेशेंट्स आई एज कम्पेयर टू अदर लेजर्स। इसके बाद क्योंकि जब आपका स्पॉट साइज और आपकी एनर्जी ये स्पॉट साइज को देखते हुए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और कोई एनर्जी बिला वजह ज़ाया नहीं होगी, अगर कोई पॉइंट फोकस है नहीं है तो उस पर वो फायर नहीं करेगा, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट ये आएगा कि पेशेंट पेन फील कम करेगा। गैर ज़रूरी लेज़र ना लगने की वजह से पेशेंट की जो पेन की फीलिंग है वो कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर लेज़र्स। इसी तरह इसमें लेज़र जो नंबर 11 पॉइंट है वो है LIO का, लेज़र इंटरडक्ट थर्मोस्कोप का, जो लेफ्ट पर लगती है, जो यहाँ से सिलेक्ट वो ऑटोमेटिकली एक्टिव और डीएक्टिव हो जाएगी। इसी तरह इसके बाद जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन में मैं ये आपको यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में देख रहा था कि मुझे ओके जी, ये तो हो गया, ये सारे इसके फीचर्स हो गए जो टैगर प्रो स्कैन के फीचर्स हैं। और इस साइड पे कंपैरिजन है, ये हमारा हेलिक्स का लेज़र है जिसमें हमारा टैगर प्रो स्कैन आता है, और उसमें नाइडेक है, ल्यूमिनस है, टॉपकॉन है, वेलन है, क्वांटल है, और ज़ाइस है, और उसके आगे मॉडल है। एलेक्स का मॉडल हमारा इंटेगर प्रो स्कैन है, नाइडेक का MC500 विक्सी है, ल्यूमिनस का VN1 है, टॉपकॉन का पास्कल, वेलन लेज़र का मॉडल है वेलन, और क्वांटल का सुप्रा स्कैन, और ज़ाइस का ट्रायन वेट। ओके, अब इसमें जो चीज़ हमारे लेज़र में जो रेड लेज़र में है वो ये है कि इसकी वेवलेंथ है ये 670 नैनोमीटर। 670 नैनोमीटर का अगर आप इसमें कंपेयर करें
तो और किसी भी लेज़र की 670 नैनोमीटर नहीं है। नाइडा की 647 है, ल्यूमिनस की 659 है, इसी तरह टॉपकॉन की वो रेड बनाता ही नहीं, इसी तरह वेलोन भी सिर्फ 532 नैनोमीटर ग्रीन को बनाता है। ये उनके वीक पॉइंट्स हैं कि मतलब कि ये लेज़र्स जिनमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दूसरे वेवलेंथ के लेज़र्स भी बना सकें। इसी तरह क्वांटल है, क्वांटल ग्रीन बनाता है, येलो बनाता है, लेकिन रेड की ऑप्शन उसमें मौजूद नहीं है। ज़ाइस है, इसमें तीनों मौजूद हैं, लेकिन जिनमें तीनों मौजूद हैं उसको अगर आप कंपेयर करें तो हमारे वाले में 532 नैनोमीटर अवेलेबल है ऑप्शन, हम ये मॉडल दे सकते हैं। 577 नैनोमीटर जो कि 561 नैनोमीटर जो कि येलो है, हमारी वेवलेंथ यहाँ पे ये जो अभी हम ये दे रहे हैं ये 561 नैनोमीटर येलो आ गई, ये 670 नैनोमीटर रेड आ गई। तो ये तीनों हम वेवलेंथ्स हर मॉडल की अलग-अलग भी दे सकते हैं और हम कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। कॉम्बिनेशन में येलो रेड वो ब्रोशर में ऑप्शंस मौजूद हैं, कॉम्बिनेशन डिफरेंट है हमारे। हमारा जो पॉइंट इसमें जो डिस्कस करने वाला ये है कि जितनी बेहतर वेवलेंथ होगी उतनी जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यू शेप, ये शेप है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इस शेप में यहाँ से लेके मेरे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ है, इसके दरमियान में क्या अगर मैं इसको सीधा करता चला जाऊँ तो ये एक स्टिक की तरह का हो जाएगा, और अगर मैं यू करूँ तो ये एक वेव बनेगा। अगर मैं वेव को इसमें से पेनिट्रेट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है और इंसान की बॉडी है, अगर मैं से इसमें से गुजारना चाहूँ तो दिक्कत आएगी। अगर मैं स्ट्रेट करके फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर तीर की तरह इसमें से गुजारूँगा, क्योंकि तीर स्ट्रेट होता है, तो उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अंदर तक जाएगा। तो जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी इट मीन्स कि उसकी पेनिट्रेशन डीपर, ज़्यादा अंदर कॉरिट तक जाएगी। तो हमारी वेवलेंथ 670 नैनोमीटर है एज़ कम्पेयर टू अदर लेज़र्स, हमारी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो इसकी पेनिट्रेशन डीपर इन कॉरिट सबसे ज़्यादा होगी। इस नाइडे की भी पेनिट्रेशन कम है, ल्यूमिनस की भी कम है, और ज़ाइस की भी कम है, बाकी में तो लेज़र ही है ही। उसके बाद जो चीज़ें जिसका जो हमें एज देती हैं वो स्कैनिंग स्पीड है। फास्टेस्ट है 25 शॉट्स इन 0.55 सेकेंड, ये कैपेबिलिटी और किसी में भी नहीं है। फास्ट जरूर है लेकिन 0.5 सेकेंड्स में 25 शॉट्स की कैपेबिलिटी किसी में भी नहीं है। इसी तरह एक्सपोजर टाइम हमारा 10 से 8000 मिली सेकेंड तक है, बाकी उनका 10 से 3000 है, 10 से 3000, 10 से 1000, 10 से 650, 10 और फिर 10 से 3000। तो 8000 मिली सेकेंड तक की ऑप्शन किसी के पास नहीं है, ये भी हमारा वो फीचर है जो और किसी में नहीं है। इसी तरह रेंज ऑफ प्री प्रोग्राम लेज़र लेंसेज इज बिल्ट इन, उसमें ऑटोमेटिक स्पॉट साइज सिलेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू लेज़र लेंसेज, किसी में भी ये फीचर नहीं है, किसी में भी नहीं। इसी तरह आउटपुट पावर वो मतलब ये वो फीचर्स हैं जो कि दूसरों में भी हैं, हमें भी हैं। इसमें पैटर्न में ये जो वेरिएबल कर्व है, वेरिएबल कर्व का जो फीचर है ये हमें एज देता है दूसरे लेज़र्स में। और डिलीवरी में फाइबर ऑप्टिक फ्री जो है, ज़ाइस में जो नाइडेक है उसमें अडाप्टर लगता है ऑक्सफ्राइड का, ज़ाइस का ये इसमें अडाप्टर फ्री है। ल्यूमिनस में भी ज़ाइस का ऑक्सफ्राइड का अडाप्टर लगता है, इसमें कोई अडाप्टर नहीं है इस फाइबर ऑप्टिक लगाने के लिए। टॉपकॉन में स्लिट लैंप इंटीग्रेटेड है, टॉपकॉन का जो पास्कल का लेज़र है वो भी फाइबर ऑप्टिक फ्री है, उसके अंदर अडाप्टर नहीं लगता। इसी तरह वेलॉन लेज़र है, उसमें हेक्सट्राइप का डॉक्टर लगेगा, क्वार्टल में भी डॉक्टर लगेगा, फाइबर ऑप्टिक फ्री नहीं है ये। इसी तरह ज़ाइस है, वो भी फाइबर ऑप्टिक फ्री का इश्यूज़ में आएगा। तो ये हमारे वो फीचर्स हैं जो हम डॉक्टर को जब बताते हैं तो डॉक्टर को जो हमने फोकस करवाना होता है वो चीज़ों पे फोकस करवाना होता है, एक सबसे पहले है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी है हमारी गैल्वेनोमीटर टेक्नोलॉजी, और उसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इस जो होते हैं हम जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो लेज़र लाइट हम पकड़ के पॉइंटर से
बोर्ड पे हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, वो पॉइंटर जो है वो साथ साथ हम लेजर लाइट से चला रहे होते हैं। अगर वो पॉइंटर मैं स्पीड से दीवार पे अगर घुमाऊँ, तो अगर उसकी स्पीड को मैं ज़्यादा रोटेशनल स्पीड मैं अपने हाथ की मूवमेंट को ज़्यादा तेज तेज घुमाऊँ, तो मुझे लगने लग जाएगा कि यार ये दीवार पे सर्कल बनने लग गया। तो अगर मैं स्पीड बढ़ाता चला जाऊँ तो एक वक्त ये आएगा कि वो मुझे वाकई में सर्कल लगेगा। तो गैल्वेनोमीटर टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी है कि जो पैटर्न हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सिलेक्ट किया है सर्कल का, तो गैल्वेनोमीटर टेक्नोलॉजी उसमें एक्स और वाई दोनों जो ऑप्शंस मौजूद हैं, दो मोटर्स लगी हुई हैं उसमें जो एक्स और वाई पे मूव कर रही होती है इतनी तेज़ी से इतनी स्पीड से कि वो हमें ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये सर्कल बना हुआ है, जबकि वो सर्कल नहीं होता, वो फिजिकली हर पॉइंट पे वो घूम के तेज़ी से वहाँ तक पहुँच रही होती है। और उस स्पीड पे अगर मैं इसको, अगर मैं इसे कहूँ कि मुझे इस तरह का पैटर्न दो, तो ये बज़ाहिर मुझे ये पैटर्न यहाँ नज़र आएगा, यहाँ पे ये मुझे बज़ाहिर ये पैटर्न नज़र आएगा। लेकिन इसकी लाइट, आई मीन बीन की लाइट को मैं थोड़ा कम कर दूँ, अब यहाँ इस माइक्रोस्कोप में वैसे अंदर से तो नज़र आएगा, लेकिन ये फोकस नहीं, अब यहाँ से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से क्लियर नज़र आ रहा है, इस तरह का नज़र आ रहा है। तो ये एक पैटर्न बना है कैसे कि अगर आप यहाँ पास इसके बिल्कुल लगाएं तो आपको आवाज़, अगर हल्की सी आपको आवाज़ आ रही होगी, मोटर्स चलने की, मोटर्स चलने की आवाज़, कि ये इतनी तेज़ी से मोटर्स घूम रही हैं कि वो ये पैटर्न बना रही हैं। जबकि दूसरों में जिसका जो ये गैल्वेनोमीटर टेक्नोलॉजी नहीं है, जिन्हों में वो जैसे नाइडेक है और दूसरे लेदर है, उसमें वो इस तरह उन्होंने एक पैटर्न बना के उसको एम्बोर्स कर दिया हुआ है कि जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो पैटर्न सामने आ जाता है, अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो पैटर्न सामने आ जाता है, इसको सिलेक्ट करता हूँ वो पैटर्न सामने आ जाता है। गैल्वेनोमीटर टेक्नोलॉजी नहीं है उनकी, या और यही वजह है कि उसने फिर लेज़र ने सब पे फायर करना होता उस, क्योंकि वो फिज़िकली हर एक पॉइंट को रीड नहीं कर रहा होता। तो गैल्वेनोमीटर टेक्नोलॉजी में चूंकि वो हर एक पॉइंट को रीड कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि कौन सा फोकस्ड है और कौन सा फोकस्ड नहीं है, जो फोकस्ड नहीं है वहाँ पे वो फायर नहीं लगाता, और जब ये फायर नहीं लगाता तो रिज़ल्ट क्या आता है कि डॉक्टर को पोस्ट ऑफ रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। एक तो पेशेंट पेन फील कम करेगा और उसको पोस्ट ऑफ रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे कि जहाँ पे फोकस्ड नहीं था वहाँ पे लेज़र नहीं लगा, उसको पता है कि ये फोकस्ड नहीं था। तो ये चीज़ सुपर सीड करती है टेक्नोलॉजी में अदर लेजर्स की, और इसी टेक्नोलॉजी के ही जो कंपनीज हैं मार्केट लीडर बनती हैं, जो टेक्नोलॉजी में आगे लीड कर रही होती हैं, और उन्हीं के लेजर्स फिर आगे, और ये रीजंस हैं पीछे के, वो ड्यूरेबल होती हैं और देर को उनका जो है जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो भी मिनिमम हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें एज देती हैं दूसरे लेजर्स पे। थैंक्स फॉर द टाइम, अगर कोई मजीद क्यूरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं।